ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12वीं के लिए हिंदी 100 अंक में एक नई कविता देखेंगे, पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का बारे में जीवन परिचय हम जान लें कि 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती धीराज कुमारी और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सन 1919 में इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। लेखिका के प्रति अंग्रेजों सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, एक प्रसिद्ध पत्रकार, अच्छे स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के सक्रिय नेता थे। लेखिका की आरंभिक शिक्षा क्राथवेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में हुई, जहां इनके साथ प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा भी थी। इनके पश्चात वाराणसी में थियोसोफिकल स्कूल के 9वीं कक्षा के बाद अधूरी शिक्षा छोड़कर असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़ी। छात्र जीवन से ही इन्होंने काव्य रचना की भी अभिरुचि थी। आगे चलकर एक अच्छी कवियत्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा भी पाई। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान अपने जीवन काल में समाज सेवा, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, राजनीति करते हुए अनेक बार कारावास भी गई। अंत में मध्य प्रदेश के एक विधानसभा में MLA बनकर अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन जागरण में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वसंत पंचमी के दिन इस संसार से नव सृजन के महापर्व करने के लिए चल पड़ी। इनके जीवन का महामंत्र था स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व कुर्बान करना। इतना ही नहीं, मुक्ति बोध ने तो कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उनके भिन्न भिन्न रूप, उनकी आभारण हीन शैली में प्रकट हुए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं जो प्रसिद्ध हुई उनमें मुकुल जो कविता संग्रह थी, त्रिधारा जिसमें कविता चयन था, बिखरे मोती जो कहानी संग्रह थे, और सभा के खेल भी कहानी संग्रह के रूप में प्रमुख रहे हैं। पुत्रयोग कविता का सारांश जो आगामी परीक्षाओं में या बीते जितने भी परीक्षाएं हुई हैं बिहार बोर्ड की 100 अंकों की, उसमें सारांश पूछे जाते हैं। सारांश यदि आप इस रूप में लिखते हैं तो अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। जैसे पुत्र वियोग कविता का सारांश, अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद माँ द्वारा व्यक्त की हुई उसके अंदर की व्यथा का इस कविता में सफल निरूपण हुआ। कविता कवियत्री माँ अपने पुत्र वियोग में अत्यंत भावुक हो उठती है। उसकी अंतरचेतना को पुत्र का अचानक बिछोह झकझोर देता है। प्रस्तुत कविता में पुत्र के अप्रत्याशित रूप से और समय निधन से माँ के हृदय में अनेक संताप का हृदय विदारक चित्रण है। एक माँ के विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और क्रमशः ऊपर की ओर आरोहण करता भाव उत्कंठा अर्जित करता जाता है, तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध को एक विलक्षण आत्म प्रतीति में अस्थायी परिवर्तित करता है। यह माँ की ममता की अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष है। कवित्री अपने पुत्र के असामयिक निधन से अत्यंत विकल है। उसे लगता है कि उसका प्रिय खिलौना खो गया है। उसने अपने बेटे के लिए सब प्रकार की कष्टें पीड़ाएं झेल, उसे कुछ हो न जाए इसलिए हमेशा उसे गोद में लिए रहती थी। उसे सुलाने के लिए लोड़ियां गाकर तथा थपकी देकर सुलाया करती थी। मंदिर में पूजा अर्चना किया, मन्नतें मांगी, फिर भी वह अपने बेटे को काल के काल से नहीं बचा सकी। वह विवश है, नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता है। कवित्री की एकमात्र इच्छा यही है कि पल भर के लिए भी उसका बेटा उसके पास आ जाए अथवा कोई व्यक्ति उसे लाकर उससे मिला दे। कवित्री उसे अपने सीने से चिपका लेती है तथा उसका सिर सहला सहला कर उसे समझाती है। कवित्री की संवेदना उत्कर्ष पर पहुंच जाती है। शोक सागर में डूबती उतराती बिछोह की पीड़ा असह्य है। वह बेटा से कहती है भविष्य में वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाए। अपने मृत बेटे को उक्त बातें कहना उसकी असामान्य मनोदशा का परिचायक है। संभवतः उसने अपने जीवन संतान को उक्त बातें कही हों। सुभद्रा के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग
कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है तथा निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरा यह शोक गीत है। पुर के असमय निधन के बाद तड़पते रह गए माँ के हृदय के दारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्वैयक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप से काव्यत्व अर्जित कर लेती है। उसमें एक माँ के विवादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता अर्जन करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध को एक विलक्षण आत्म प्रतीति में अस्थायी परिणति पाता है। इसमें इस कविता के कुछ पद को हमने संकलित किया है जिसके भावार्थ परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो पद हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, सीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से, जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। इस प्रसंग की जो का जो भावार्थ प्रस्तुत किया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित उनकी कविता यह पुत्र वियोग से उद्धृत है। उनके प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल में यह संकलित है। कवित्री की यह रचना शोक गीत है। यह शोक गीत पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ द्वारा लिखा गया है, जिसमें पुत्र निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के दारुण शोक की मार्मिक हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति है। यह विषादमय शोक गहरा होता हुआ भाव उत्कटता प्राप्त करता जाता है। इसकी व्याख्या पुत्र के असामयिक मृत्यु के शोक विह्वल माँ अपने शोक संतप्त भावों को प्रकट करते हुए कहती है कि आज जब चारों ओर खुशी का वातावरण है, सारे संसार में खुशियाँ छाई हैं, ऐसे में एक दुखी माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार हैं। मेरा पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, मैं उसके इंतजार में दुखी बैठी हूँ, मेरा खोया पुत्र मेरे पास नहीं है। फिर वह अपने मृत पुत्र को याद करते हुए कहती है, मैंने अपने पुत्र को सर्दी गर्मी बरसात तथा हर दुख से बचाने का प्रयास किया था, मेरे प्रिय पुत्र को सर्दी न लग जाए, वह बीमार न पड़े, इसलिए मैंने उसे गोद से ज़मीन पर नहीं उतरने दिया। उसने जब भी माँ कहते हुए मुझे आवाज़ लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। विशेष जो इस पंक्ति में है कि वह पुत्र वियोग में दुखी माँ का उल्लासपूर्ण वातावरण भी उल्लसित नहीं कर पा रहा है। माँ अपने पुत्र के हर दुख में उसका ध्यान रखती है, यह भाव व्यक्त हुआ है इस कविता के माध्यम से। माँ ने अपने पुत्र को खिलौना कहकर मार्मिकता बढ़ा दी है। हंसती है में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सहज तथा भावा भी व्यक्त करने में सक्षम है, छंदबद्ध काव्यांश में करुण रस घनित हुआ है। दूसरा जो पद हमने लिया है वह इस रूप में कि थपकी दे दे जिसे सुलाई, जिसके लिए लोड़ियाँ गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। तो इसका भावार्थ इस रूप में प्रस्तुत करें कि माँ अपने पुत्र से असीम प्यार करती है, वह अपने पुत्र को जरा सी तकलीफ में देखकर परेशान हो जाती है, उसकी परेशानी दूर करने के लिए वह तरह तरह के उपाय करती है। कवित्री अपने पुत्र के साथ किए गए प्यार भरे व्यवहार को याद कर उठती है, उसे वे सारी बातें एक एक कर याद आने लगती है। कवित्री कहती है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को हर दुख का ख्याल रखा, उसने उसे प्यार की थपकियाँ देकर सुलाने की कोशिश की, उसे सुलाने के लिए मीठी मीठी लोड़ियाँ सुनाई जिससे वह सो जाए, अपने पुत्र के चेहरे की चमक फीकी देखकर या उदासी महसूस कर उसने रात भर जाकर उसका ख्याल रखा, भलाई और सुख के लिए वह अपना सब कुछ भूल गई, उसे अपना सुख दुख याद न रहा, इस कारण उसने पत्थर को देवता मानकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की, उसने इन देवों की पूजा करते हुए कहीं नारियल दूध और बतासे चढ़ाए तो कहीं देवालयों में अपने पुत्र की भलाई की कामना करते हुए देवों को प्रणाम किया। इस कविता में जो विशेष चीज़ें व्यक्त हुई है कि माँ अपनी संतान की भलाई के लिए बहुत प्रकार के कष्ट उठाती है, यह भाव व्यक्त हुआ है। लोड़ियाँ गाकर बच्चों को सुलाने की प्राचीन परंपरा का वर्णन हुआ है। दे दे में पुनरक्ति प्रकाश तथा लिए लोड़ियाँ में अनुप्रास अलंकार है, आँखों में रात बिताना, पत्थर को देव बनाना, शीश नवाना आदि मुहावरों का उपयुक्त प्रयोग किया गया है।
भाषा सहज सरल भावों को व्यक्त करने में सक्षम है, जिससे काव्यांश मर्म को छू जाता है। तीसरा हमने लिया है इसमें से कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पर न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कवित्री ने अपने पुत्र की हर तरह से देखभाल की, उसकी सलामती के लिए पूजा अर्चना करते हुए देवताओं के सम्मुख सिर झुकाकर दुआएं भी मांगी, पर मृत्यु के आगे कोई कुछ नहीं कर सका है। कवित्री कहती है कि उसके द्वारा की गई पूजा अर्चनाएं और दुआएं, मांगी गई दुआएं भी उसके पुत्र को नहीं बचा सकी, कोई कुछ भी नहीं कर सका और उसका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक माँ का खिलौना उससे छिन गया, वह असहाय तथा विवश होकर बैठी रह गई। आंखों के सामने ही उसका प्यारा पुत्र भगवान को प्यारा हो गया। पुत्र वियोग में तड़पती माँ कहती है कि इस असह्य कष्ट को उसका हृदय तड़प तड़प कर सह रहा है, उसे मृत्यु, पुत्र की मृत्यु के बाद से पल भर के लिए भी शांति नहीं मिली है। एक विवश माँ यह भी जानती है कि उसका जो अनमोल धन पुत्र खोया है, उसे वह वापस नहीं पा सकती है, इस बात में जरा सी भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। इतना के साथ ही कुछ इस पाठ से संबंधित प्रश्न हैं, जिसे भी याद कर लेना आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जैसे कवित्री का खिलौना क्या है, तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, तो कवित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है, उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, उस अपनी सुविधा असुविधा का कभी विचार नहीं किया, बेटे को ठंड न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोदी में रखा। इन सारी सावधानियों तथा मंदिर में पूजा अर्चना से वह अपने बेटे को असमय मृत्यु को टाल नहीं सकी। नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता, अतः वह स्वयं को असहाय तथा बेवस माँ कहती है। तीसरा हमने लिया है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, तो पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख को भूल जाती है, उसे अपने सुख दुख के विषय में सोचने की का भी अवकाश नहीं रहता है, वह बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है, बेटे को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है, उसे लोहड़ी गीत गाकर सुलाती है, उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है। अब अर्थ स्पष्ट करें मैं प्रश्न लिया है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास आया, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि आज सभी दिशाएं पुलकित हैं, सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई है, सारे विश्व में उल्लास है का वातावरण है, किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना कवित्री का बेटा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात कवित्री के पुत्र का निर्धन हो गया है, इस प्रकार वह उससे कवित्री से उसका पुत्र छीन गया, यह उसकी व्यक्तिगत क्षति है। विश्व के अन्य लोग हर्षित हैं, सभी दिशाएं भी उल्लासित दिख रही हैं, किंतु कवित्री ने अपना बेटा खो दिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, वह उद्विग्न है, शोक विह्वल है, अपनी असंयमित मनोदशा में वह बेटा के वापस आने की प्रतीक्षा करती है और नहीं लौट कर आने पर निराश भी हो जाती है। पांचवा प्रश्न हमने लिया है कि माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन है और क्यों, तो माँ के लिए अपने मन को समझना तब कठिन हो जाता है जब वह अपना बेटा खो देती है। माँ बेटा की का अमूल्य धरोहर होता है, बेटा माँ की आँखों का तारा होता है, माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाता है तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझना कठिन हो जाता है। यह इस तरीके से हमने विभिन्न लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को इसमें संकलित करने का प्रयास किया है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में इन प्रश्नों और उत्तरों को अंकित करेंगे और अंकित कर उसे याद कर लेंगे। आगामी आने वाली परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न भावार्थ एवं व्याख्या महत्वपूर्ण है और ये आपको अच्छे अंक दिलाने में काफ़ी लाभदायक भी होंगे। इन्हीं सबके साथ आप सबों का धन्यवाद। जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। जय हिंद।